मैं संगीता भटेजा आज आपके लिए लेके आई हूँ बूंदे की रायते की रेसिपी। इसे हम दो तरीके से बनाएंगे, पंजाबी रायता और साथ ही साथ हम बनाएंगे राजस्थानी तड़का रायता, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर आता है। आप इन दोनों तरीके से बूंदी के रायते की रेसिपी को बना के देखिए, खाइए। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर से बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। फ्रोलिक स्टेज को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू। बूंदी का रायता बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है आधा किलो दही और एक बाउल मैंने लिया है फीकी बूंदी। फीकी बूंदी को हम सिंपल पानी से भिगो देंगे। जब तक रायता बनाएंगे तब तक ये भीग जाएगी। रायता बनाने के लिए हमें रोस्टेड जीरे का पाउडर चाहिए। रोस्टेड जीरा पाउडर बनाना बहुत आसान है। आप इसे जब भी आप घर में, अक्सर रोटियां तो बनती ही रहती हैं, जब रोटी बन जाए, रोटी बनने के बाद तवे पे, गरम तवे पे आप इस तरीके से जीरे को डाल दीजिए और किचन के जो कपड़ा रहता है उससे आप इसे हल्का हल्का घुमा दीजिए। ये बहुत जल्दी रोस्ट हो जाता है। अलग से तामझाम करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। जब भी रोटी बनाई लास्ट में आपने जीरे को भून के इस तरीके से आप रख सकते हैं। ये जीरा भुनना शुरू हो गया है, गैस को मैंने बंद कर दिया है और इसी तरीके से हम इसे थोड़ा ब्राउन होने तक चलाते रहेंगे। ये काम विद इन मिनट में हो जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे और पीसने के लिए भी आपको अलग से मिक्सी या ग्राइंडर किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। आप चकले पे, यानी कि जिस पे रोटी बनाते हैं उस प्लेटफॉर्म पे जीरे को डालिए और बेलन से इसे बेल दीजिए। इस तरीके से ये बहुत जल्दी, जितना बारीक चाहे आप इसे बना सकते हैं। मुझे जब भी जीरे का पाउडर बनाना होता है मैं इसी तरीके से बना के रख लेती हूँ। रोटी बनाने के बाद मैं इस तरीके से जीरे को रोस्ट कर लेती हूँ। जब तक हमने जीरा भूना है तब तक ये बूंदी भी भीग गई है। इसे निकाल के हम दही में डाल लेंगे। मैं आपको दो तरीके के रायते शेयर कर रही हूँ, दोनों ही खाने में बहुत टेस्टी और यम्मी लगते हैं। अगर आपने दही पतला लिया है तो आप इसे, बूंदी को मैंने ऐसे ही निकाला है, आप बूंदी को पानी निकाल के दबा के निकालिएगा। दही को मैंने मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पहले फेंट लिया था। इसमें मैं डालूंगी धनिया। धनिया को मैंने धो के साफ करके काट लिया है। कटी हुई हरी मिर्च, अगर आप हरी मिर्च खाते हैं तो आप इसे डालिएगा, वरना इसे आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इस रायते को मैं दो भागों में डिवाइड कर रही हूँ ताकि मैं दोनों मेथड आपको बता सकूं। मैंने यहाँ रायते को दो भागों में डिवाइड कर लिया है। अब ये है पंजाबी स्टाइल रायता, इसमें हम डाल रहे हैं भुना हुआ जीरा। लाल मिर्च और काली मिर्च। सेकंड रायते में हमने थोड़ी सी काली मिर्च डाली है। यह काली मिर्च और लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जैसा आपको तीखा या कम तीखा पसंद है उसी हिसाब से आप कम या ज्यादा इसे कर सकते हैं। थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सफेद नमक, इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इस रायते को तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ कड़छी में एक चम्मच ऑयल डाला हुआ है। ऑयल गर्म हो रहा है। मोस्टली जो राजस्थान में कड़छी होती है वो पीतल की रहती है, मेरे पास पीतल की कड़छी नहीं है तो मैंने स्टील की कड़छी में ये तड़का लगा रही हूँ। इस स्पून में मैंने आधा चम्मच जीरा और दो पिंच हींग ली हुई है। तेल को हमने गरम करना है। ये काम जो है हमें बहुत ध्यान से करना होगा।
क्योंकि तेल जो इसमें है आग पकड़ता है। बहुत ध्यान से हमने इसे डालना है तड़के को। ऑयल को गर्म करने के बाद उसमें जीरा और हींग डाल के वो बर्निंग तड़का लगाया जाता है। ये राजस्थान स्पेशल बूंदी का रायता है। राजस्थान में मोस्टली लोग इसे इसी तरीके से तड़का लगाते हैं। उसके लिए वो मोस्टली जो लेते हैं वो पीतल की कड़छी लेते हैं या फिर मिट्टी का दिया। दोनों ही तरीके से ये तड़का लगाया जाता है। मेरे पास पीतल की कड़छी और मिट्टी का दिया इस वक्त नहीं था, तो मैंने उसको स्टील की कड़छी पे आपको लगा के दिखाया है। लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा दो तरह का बूंदी का रायता। दोनों ही खाने में बिल्कुल अलग अलग टेस्ट देते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। आप इन दोनों तरीके से इस रायते को ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर से बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। एक पंजाबी रायता है, एक राजस्थानी रायता है। राजस्थानी रायता बनाते हुए थोड़ा सावधानी से बनाइएगा, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत तेज़ लपटें इसमें से निकलती हैं, लेकिन फाइनली जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा। ध्यान से इसे बनाइएगा, बनाइए, खाइए। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो रोलिक स्टेज को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।